किसान आंदोलन से अपनी सियासत चमकाने वाले केजरीवाल के मंसूबे क्या हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल कल पटियाला में एक रैली निकाली गई थी शिवसेना के नेता के द्वारा, जिसमें खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो वहां की पब्लिक थी उन्होंने भी उस पर अटैक किया कि ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि खालिस्तान के विरोध में नारे लगाने से माहौल कैसे खराब हो गया? खालिस्तान मुर्दाबाद कहने से माहौल कैसे खराब हो गया? दरअसल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तो वो भी बात समझ में आती है, क्योंकि बिना परमिशन के उन्होंने रैली निकाली थी और रैली में जो उनके समर्थक शामिल हुए थे उन्होंने तलवारें दिखाई थी। अब ये बात तो समझ में आती है, लेकिन शिवसेना ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहां के लोग भी उनको बोल रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन जो खालिस्तान के समर्थन में आए थे, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जो मांग कर रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये चल रहा है हमारे देश में और ये चल रहा है पंजाब में। खालिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा, लेकिन इसके विरोध में बोलने वालों को अगर इस प्रकार से सजा होती है तो सवाल खड़ा होगा।